सुपेश्वर महादेव मंदिर है, 14 मंजिला है, सरल मार्ग, भूतनाथ मंदिर, ओम नमः शिवाय। ये देखिए बहुत ही विशाल का पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो कि भूतेश्वर महादेव मंदिर है, सरल मार्ग। हम लोग ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ऊपर हैं। ये इतना ऊंचाई पर, ये देखिए भाई बहुत ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। गर्भगृह में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। भूतेश्वर महादेव मंदिर 14 मंजिला है ना ये सर। हम लोग ऊपर जाते, ये देखिए पूरा का पूरा ऋषिकेश यहाँ से दिख रहा है। ये भव्य दृश्य है, बहुत ही भव्य और बहुत ही भयानक दृश्य है। संपूर्ण पहाड़ी दिख रही है। हम लोग दूसरे मंजिल पर हैं, भूतेश्वर महादेव पूरा ऋषिकेश इसमें आ रहा है। हम लोग भूतेश्वर महादेव मंदिर के दूसरे मंजिल पर हैं। बहुत ही विशालकाय पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए एक से एक आश्चर्यजनक दृश्य यहाँ पर हैं। इसके बाद हम लोग तीसरे मंजिल पर जाते हुए, ये देखिए यहाँ से तो और भव्य नज़ारा हो जाता है सर। ये देखिए पूरा ऋषिकेश इस कैमरे में आ रहा है, पूरा ऋषिकेश देख सकते हैं आप लोग। और इधर से जो पहाड़ियाँ हैं वो तो बहुत ही दर्शनीय है, बहुत भयानक दृश्य है। यहाँ से देखते ही पूरा का पूरा शरीर कांप जाता है, पूरा का पूरा यहाँ से पर्वत देखते ही बनता है। और वो देखिए कुछ लोग हमारे मित्र आ रहे हैं ऊपर। तीसरे मंजिल पर हम लोग जाते हुए, बहुत ही विशालकाय मंदिर है। यहाँ से दृश्य देखेंगे तो और ही ज्यादा शोभा बढ़ती हुई दृश्य की। पूरी पहाड़ी के दर्शन यहीं से हो जा रहे हैं, बहुत अनोखा दृश्य है। लगातार यहाँ पर लोग आते रहते हैं। और हम लोग अगले मंजिल पर जाते हुए पांचवें मंजिल पर हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ से दृश्य की जो भव्यता और दिव्यता दोनों लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा का पूरा ऋषिकेश यहाँ से दिख रहा है। पहाड़ियों के दर्शन जो शिवालिक की हिमालय रेंज है वो सब दिख ही रही है। छठवें हिमालय की तरफ हम लोग जाते हुए, ये देखिए यहाँ से दृश्य और भी मनोरम हो गया भाई। ये देखिए ऋषिकेश, पूरा ऋषिकेश शहर आ गया है इसमें। ऊपर तक नहीं जाना है, इसके ऊपर भी, और ये 6 मंजिला और ऊपर है। भोले बाबा है, पूरा ऋषिकेश इसी में समाहित है। ये देखिए जो पहाड़ियाँ दिख रही, बहुत ही भव्य पहाड़ियाँ हैं। पूरा की पूरी जो बस्ती है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे शिवालिक की चोटियां हैं। वहां पर ऊपर आप देख सकते हैं कुछ घर भी बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर स्फटिक शिवलिंग है भाई,